दोस्तों सौमी एम आई नोट 10 प्रो का सक्सेसर एम आई नोट 11 प्रो बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, जो कि दोस्तों एक 5G स्मार्टफोन होगा जिसके अंदर आपको मिलेगा 108 मेगापिक्सल का पेंटा कैमरा सेटअप, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर और 6000mAh की बैटरी। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सौमी एम आई नोट 11 प्रो स्मार्टफोन के बारे में, क्या कुछ मिलेगा आपको इस फोन में और कब तक और कितनी प्राइस के अंदर ये इंडिया के अंदर भी लॉन्च होगा। तो दोस्तों आप भी हैं इस स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड, तो बने रहे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो इसके अंदर आपको 6.65 इंच की फुल HD प्लस एक सुपर एमुलेट पैनल देखने को मिलने वाला है, जो कि दोस्तों एक पंचोल डिस्प्ले पैनल होगा जहां पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले पैनल देखने को मिलने वाला है। यानी कि दोस्तों इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी में आपको और भी ज्यादा इम्प्रूव देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड सेल्फी के लिए पंचोल सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलेगा। और अगर बात की जाए इसके प्रोसेसर के बारे में, तो इसके अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G का SoC देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों इससे पहले Redmi K30 स्मार्टफोन में भी देखने को मिल चुका है, जो कि काफी दमदार चिपसेट है। यानी कि इसमें आप कोई भी गेमिंग या फिर PUBG वगैरह खेलते हो तो इसमें आपको कोई भी लैग या फिर हैंगिंग प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और इसमें आपको मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट, जो कि बेस्ड होगा MIUI 11 पर। और दोस्तों ये दो रैम वेरिएंट के साथ लॉन्च हो सकता है, 6GB 128GB एंड 8GB प्लस 256GB, जिसमें आपको डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट भी मिलने वाला है। और अगर बात की जाए इसके कैमराज के बारे में, तो इसमें आपको रियर साइड में पेंटा कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, जिसका प्राइमरी सेंसर होगा 108 मेगापिक्सल का, जिसमें सोनी का IMX686 का सेंसर यूज किया गया है। और इसी के साथ आपको 20 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 8 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग सेंसर, 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस देखने को मिलेगा। और फ्रंट साइड में आपको सेल्फी के लिए 48 मेगापिक्सल का पंचोल सेल्फी कैमरा भी मिलने वाला है। और अब बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में, तो इसमें आपको 6000mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि दोस्तों बुक 4.0 के सुपर फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। और आउट ऑफ द बॉक्स आपको बुक 4.0 का सुपर फास्ट चार्जर भी मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको टाइप सी पोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक एंड पेशन लॉक जैसे फीचर भी मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस और लॉन्च रेट के बारे में। तो दोस्तों इसकी प्राइस तो अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों ये स्मार्टफोन अराउंड 25,000 रुपए की प्राइस में लॉन्च हो सकता है। और दोस्तों ये स्मार्टफोन अप्रैल या फिर मई के मंथ में लॉन्च होगा। तो दोस्तों ये थी Xiaomi MI Note 11 Pro की प्राइसिंग, लॉन्च डेट और स्पेक्स। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।